अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सुलेमान्स किचन। मैं हूँ आपका होस्ट सुलेमान। आज बहुत दिनों बाद जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थोड़े कुछ कामों में बिज़ी हो गया था तो वीडियो बना करके जो है अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। आपसे इंशाल्लाह जो है कोशिश करूँगा कि रेगुलरली जो है वीडियो जो है अपलोड किया करूँ। तो आज की जो है वीडियो थोड़ी सी स्पेशल वीडियो है, थोड़ा सा अलग तरीके से जो है मैंने बनाने की कोशिश की है। वीडियो बहुत ही अच्छा बना है, उम्मीद करूँगा आपको भी पसंद आएगा। क्योंकि अभी जो है 10 मुहर्रम आ रहा है तो मुहर्रम में जो है कुछ लोग क्या करते हैं, दस्तरखान थोड़ा वसी करने के लिए अलग अलग तरह की जो है डिशेस बनाते हैं। हालांकि हुक्म ऐसा नहीं है कि दस्तरखान को जो है वसी करें, कुछ अलग अलग टाइप की जो है डिशेस बनाएँ, हुक्म तो ऐसा कुछ नहीं है। 9 और 10 मुहर्रम को जो है रोज़ा रखने का हुक्म है और इबादत करने का हुक्म है। तो रोज़ा रखें और जो है इबादत करें, और फिर रोज़ा रखने के बाद जो है इफ्तारी में रेगुलरली जो है कोई ना कोई यूजुअली जो है डिश बना ही देते हैं, जैसे कोई बिरयानी हो या कोई ग्रेवीज हो। तो उस डिश में जो है आप जो रेगुलरली बनाते हैं उसके अलावा आज जो मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ वो उस डिश को जो है आप बनाएँ तो जो है अच्छा रहेगा, और टेस्ट भी जो है उसका काफ़ी अच्छा आया है। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे इसे बनाते हैं। और जो है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है मटन नेक, यानी कि बकरे की गर्दन जो है हमने यहाँ पर ली हुई है। आप सरसीने का गोश्त या फिर पसली का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये तीनों गोश्त जो है बहुत ही अच्छा जो है इसका टेस्ट आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पकने के बाद जैसे ये अच्छे से जो है गल चुका है, जो मीट का जो फ्लेवर है इसमें ज़बरदस्त है, जो जूसीनेस है इसकी वो भी बहुत बढ़िया है। इसमें जो है मसाले का फ्लेवर कम है और जो मीट का ओरिजिनल फ्लेवर होता है वो इसमें जो है सबसे ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है आपको जो है खाने में। पराठे नान के साथ ज़बरदस्त इसका जो है कॉम्बिनेशन रहेगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं कटोरी, जिसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब इसमें जाएगा जो है ब्लैक सॉल्ट थोड़ी सी खटास के लिए, फिर इसमें ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 2 टीस्पून जो है गार्लिक पेस्ट जाएगा, और 5 से 10 ml तक जो है हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। थोड़ा सा ज़्यादा भी आप इसमें ले सकते हो ताकि खटास के लिए जो है ज़बरदस्त रहेगा। अच्छे से इसको जो है मिक्स करते हैं और मिक्सचर को जो है तैयार कर लेते हैं। एकदम नॉर्मल से जो है मसाले हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं गर्दन को जो है अच्छे से धो करके साफ कर लिया है, बीच से जो है इसको 2 पीस कर लिया है। आप टोटली साबुत गर्दन भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए जो है इसको मैंने 2 पीस कर दिया है। बाकी जो है इसके ऊपर हम ऐड करेंगे एक नींबू का रस, जिसकी वजह से जो है पोस्त जो है मटन की स्किन के ऊपर बन जाएंगे, जिसकी वजह से जो है मसाला लगाने पे अब्जॉर्ब अच्छे से होगा। तो नींबू का रस डालने के बाद 10 मिनट हमने इसको छोड़ दिया था। अभी हम जो मसाला हमने जो बनाया है उसको जो है हम इसके ऊपर लगाना शुरू करते हैं। मसाले को अच्छे से जो है जहाँ तक हो सके वहाँ तक अंदर तक इसको जो है फैला करके लगा देंगे, और जो है फिर इसको 15 से 20 मिनट आप नॉर्मली छोड़ें। मैंने इसको जो है 4 घंटे छोड़ा है ताकि अच्छे से जो है मैरिनेट हो जाए। तो लीजिए यहाँ पर मैंने एक लिया है पतीला, जिसमें हम ऐड करेंगे तेल। तेल यहाँ मैं 50 ml के करीब जो है इसमें डाल रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो इतना ही डालेंगे तेल। जैसे तेल हल्के से गर्म होने लगता है हम इसमें ऐड करेंगे इलायची, फिर लौंग और दालचीनी। तो लीजिए इलायची मैंने इसमें डाली है, इलायची को थोड़ा सा खोल करके डालें, दालचीनी को थोड़े से पीसेस करके मैंने डाले हैं और लौंग भी डाली है साथ में। फिर और इसमें हम डालेंगे जो है जावित्री, जावित्री 1/2 टीस्पून डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब हम यहाँ पर जो है 10 से 15 ग्राम तक जो है डालेंगे मखाने। मखाने डाल करके जो है 10-15 सेकेंड इसको जो है सॉटे करते हुए जो है फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें जो है ऐड करेंगे जो गर्दन जो है मैंने इसमें 4 घंटे मैरिनेट करके रखी हुई है, जिससे जो है मैरिनेशन बहुत ही जो है अच्छे से जो है हो जाता है। तो लीजिए गर्दन मैंने इसमें डाल दी है। यहाँ पर हमको इससे ज़्यादा टाइम नहीं पकाना है, बस जो है जो ऊपर का लेयर है मटन का उसको सियर करने के लिए जो है पकाना है, जिसकी वजह से मसाला जो है अच्छे से जो है चिपक जाएगा मटन से, और जो है हल्के से जो है इसका रोस्ट का जो फ्लेवर होता है वो भी जो है इसके अंदर आ जाएगा। तो पर साइड जो है ईच साइड जो है हमें यहाँ पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही रख करके जो है इसको सेयर करना है। तो लीजिए अच्छे से
ईच साइड जो है एक एक साइड पे दो दो तीन तीन मिनट जो है हम इसको हाई फ्लेम पे जो है पकाएंगे। तो लीजिए तकरीबन 6-7 मिनट तक मैंने इसको पलटते हुए जो है पकाया, जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छा सा जो है एक रोस्टेड टेक्सचर जो है इसके ऊपर आ गया है। अच्छे से मिक्स कर पलटते हुए जो है हम इसको बनाएंगे। तो 8-9 मिनट पकाने के बाद हम इसको जो है निकाल लेंगे। तो लीजिए निकाल लिया है मैंने इसको। अब जो तेल जो है थोड़ा सा कम हो गया, तो और 10-15 या 50 ml तक आप तेल इसमें जो है फिर से डाल लें। तेल डालने के बाद जो है 3 टीस्पून जो है अदरक का और 4 टीस्पून लहसुन का पेस्ट जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अभी अच्छे से इसको सौते करते हुए जो है फ्राई करेंगे। तकरीबन ही 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि जो है मसाला पकना शुरू हो जाए। इसके बाद जो और मसाला डालेंगे उसके साथ ही जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो है अच्छे से और पक जाएगा। 2 मिनट सौते करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी हल्दी और 2 टीस्पून जो है नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। तो इसको डालने के बाद जो है अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही सूखे मसाले पड़ते हैं तो सूखा हो जाता है, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें वरना मसाले जो है जल जाएंगे, पकेंगे नहीं। तो पानी ऐड करके जो है थोड़ा सा हम इसको जो है पकाते रहेंगे। तकरीबन 6-7 मिनट लग जाएंगे अच्छे से पक के, जो तेल होगा बाहर निकल जाएगा। पानी ऐड करते हुए जो है अगर ड्राई हो रहा है तो पानी ऐड करते हुए इसको जो है पकाएं। तो लीजिए 6-7 मिनट पकाने के बाद जो है अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक, जो कि स्वाद अनुसार है। नमक डाल के अच्छे से एक बार मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएंगे टमाटर। टमाटर 4 मीडियम साइज़ के जो है मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, जिसको मैंने रफली जो है चॉप कर लिया है। नमक डालने की वजह से तुरंत ही जो है टमाटर गलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। लगभग 5-6 मिनट इसमें भी लग जाएंगे ताकि जो है टमाटर अच्छे से गल के पेस्ट के फॉर्म में जो है आ जाए। तो लीजिए टमाटर अच्छे से जो है गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं प्याज, जो कि फ्राइड अनियन जो है हमने यूज़ की है। ये भी जो है 4 मीडियम साइज़ के हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे, जिसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। डाल करके जो है डायरेक्टली आप एक बार इसको मिक्स कर दें। क्रश करके भी डाल सकते हैं, बिना क्रश करके भी जो है डाल सकते हो। तो अनियन जो है क्योंकि पहले ही से पकी हुई है और पकने की ज़रूरत नहीं है। मिक्स करने के बाद तुरंत ही हम इसमें फ्लेम कम करके जो है ऐड करेंगे 300 ग्राम तक जो है दही। तो लीजिए 300 ग्राम के लगभग जो है मैंने दही इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसको भी एक बार सौते करते हैं और जो है ढक्कन लगा करके इसको जो है 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाएंगे। तो लीजिए 2-3 मिनट तक के लिए पकाने के बाद तेल जो है बाहर आना शुरू हो गया है। तो अब इसमें 1/2 टीस्पून जो है ज़ीरा पाउडर डालेंगे, जिससे जो है फ्लेवर और जो अरोमा है वो डिश का ज़बरदस्त से हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आ जाएगी। तो जो सियर किया हुआ गर्दन के पीसेस थे, जो मटन के नेक के पीसेस थे, अब दोनों का हम इसमें डाल देंगे और पलटते हुए जो है इसको पकाएंगे तकरीबन 3 या 4 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा अगर कुछ पानी हो तो वो जो है बाहर निकल के जो है आ जाएगा गोश्त से। तो लीजिए ढक कर के 3 से 4 मिनट तक के लिए इसको पकाएंगे। अगर पानी हो तो ड्राई हो जाएगा पकते हुए। तो लीजिए 4-5 मिनट के बाद जो है पानी ड्राई अच्छे से हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी ताकि अच्छे से जो है मटन हमारा गले। तो इसके लिए इतना मटन जो है गलने के लिए एक सीटिंग पे जो है हम इसमें डालेंगे तकरीबन ही 1.5 लीटर पानी, जो कि एक जग के करीब बनता है। तो लीजिए एक जग जो है पानी मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो एक जग पानी डालने के बाद कंसिस्टेंसी जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लगने लगेगी, पतली एकदम सी, लेकिन गलने के बाद जो है ये परफेक्टली सही होगी। तो यहाँ पर आप एक बार जो है सीजनिंग को चेक कर लें, नमक और मिर्च को। तो लीजिए नमक और मिर्च ठीक होने के बाद आप इसको जो है ढक्कन लगा दें। आप यहाँ पर आटे का इस्तेमाल कर सकते हो सील करने के लिए, मैंने ऐसे ही लगा दिया है। 10 मिनट जो है अभी हाई फ्लेम पे पकाएंगे और 25 मिनट लो फ्लेम पर सिमर पर पकाएंगे। तो लीजिए 40 मिनट तक जो है मैंने इसको पकाया है, 10 मिनट तो हाई फ्लेम पे और बाकी का जो है सिमर करते हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो भी जो है काफ़ी विस्कस हो चुकी है, यानी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट करने लगा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेवी भी हमारी बन करके तैयार हो गई है, मटन भी जो है अच्छे से गल चुका है। और थोड़ा सा जो है इसके ऊपर से जो ग्रेवी है वो डाल देते हैं और थोड़ी धनिया या प्याज की कोई भी आपको गार्निशिंग करनी हो तो कर सकते हो। तो फिर अब जैसे कि आप देख सकते हैं पकने के बाद जो है हम इसको जो है काट करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जो है ये एकदम नरम और जूसी तरीके से बना है। ऊपर का जो मसाले का फ्लेवर तो है ही, लेकिन अंदर का जो ओरिजिनल मीट का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं गोश्त भी जो है अच्छे से गल चुका है। 40 मिनट जो है इसको मैंने गलाया है, लेकिन जो वेट करना है वो वर्थ है। जैसे कि आप देख सकते हैं पराठे के साथ, नान के साथ आप इसे लें, ज़बरदस्त सा टेस्ट इसका बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने घर में जो है ज़रूर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली बार के लिए, तब तक के लिए इसे अपने घर में बनाना ना भूलें।